हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू ए कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एम एंड टॉर्क टी। द मटेरियल प्रॉपर्टी टू बी यूज फॉर डिजाइन द शाफ्ट यूजिंग द रिलेशन, जिस रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को यूज करके हमको एक शाफ्ट डिजाइन करना है जो कि सब्जेक्टेड है कंबाइंड मोमेंट एंड टॉर्क के। ठीक है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी उस शाफ्ट की, उस मटेरियल की यूज होगी वो हमको बताना है। पहला अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ, तीसरा टॉर्सनल यील्ड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये रिलेशन किस चीज का है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर लें तो हम बता सकते हैं कि कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टी हमको डिजाइनिंग के लिए यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो कंबाइंड स्ट्रेस, कंबाइंड स्ट्रेस आप कंबाइंड कोई भी शाफ्ट में कंबाइंड के लिए आपने पढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एक मोमेंट एम, ठीक है, एंड टॉर्क टी सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं टॉर्क इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होता है इस केस में, मोमेंट का स्क्वायर प्लस जो भी टॉर्क है टॉर्क का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसमें शियर स्ट्रेस लिखें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आईपी इनटू डीवाई टू आर। ठीक है, तो दिस बिकम डीवाई टू इंटू टॉर्क इक्विवेलेंट इंटू आईपी, आप जानते हैं पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4, सो दिस इज 16 एंड डी क्यूब। ठीक, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 16 बाई पाई इंटू डी क्यूब एंड टी इक्विवेलेंट। टी इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देते हैं एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। देखिए ये रिलेशन 16 पाई डी क्यू इंटू एम स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज रिलेशन फॉर टाउ मैक्सिमम। ठीक, इस केस में टाउ मैक्सिमम क्या होगा, मतलब शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस जब फेल होगा, ठीक है, तो ड्यू टू क्या है, हमने टाउ इक्वल टॉर्सन या टॉर्क निकाला है, तो टॉर्सन वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे सिस्टम को जो मोमेंट लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, उसको इक्विवेलेंट टॉर्क में लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमको, इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो हमारी डिजाइनिंग किस बेसिस पे होगी, कि कहीं भी इस शाफ्ट में इसके टॉर्सनल यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा शियर स्ट्रेस नहीं जाए, मतलब हम कह सकते हैं टॉ मैक्सिमम शुड बी लेस देन टॉर्सनल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस ये हमारा हो जाएगा सेफ डिजाइन के लिए। ठीक, तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, टॉर्सनल यील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने पूरा टॉर्क टॉर्सन इसको इक्विवेलेंट टॉर्सन में कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम ऑलवेज लेस देन होना चाहिए इस प्रॉपर्टी से अगर हमको सेफ डिजाइन करनी है। ठीक है, तो वही यहां पर बोल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोग इससे बेनिफिटेड हों। थैंक यू वेरी मच।